हाँ जी गुड मॉर्निंग, सही करा आवाज थोड़ी और। हाँ चलो हवेलियां बढ़ते हैं, ये और देख लेते हैं हवेलियां हवेलियां, बाद में एक टॉपिक बचेगा आपने। इतने में आपके समोसे आए रहे, 10 मिनट में समोसे पहुंच जाए। अरे अरे याद करो रे वरना याद नहीं होंगे। देखो पटवोंगे, पहले कौन सी है पटो, सुनना देखो एक बात सुनना। किसी टाइम, अरे बैठ जाओ रे पीछे बैठ जाओ। किसी टाइम एक पेटेंट क्वेश्चन हुआ करता कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। अरे मुझे बोलने दो, आपकी चीजें उतनी ही याद रहेगी जितनी मैं बोलूंगा, बाकी किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हुआ आपके याद नहीं होगा, इसलिए शांति रखें मुझे बोलने दें। किसी टाइम में पेटेंट क्वेश्चन था कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, कि जैसलमेर। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पटुओं की हवेली किसके द्वारा बनाई गई थी, पता चला गुमानचंद बाफना। किसने बनवाई, तो अपने को पता चल गया भाई गुमानचंद बाफना ने बनवाई थी और जैसलमेर के अंदर। एक बार क्वेश्चन था कि इस समय आप पटुओं की हवेली देख रहे हैं जो कि जैसलमेर में गुमानचंद बाफना द्वारा बनवाई गई थी, अब आप बताइए कि आप जो हवेलियां देख रहे हैं वहां कितनी हवेलियां हैं। यार ये चीटिंग है, ये नहीं कर सकते आप। तो 5 हवेलियां, कितनी हवेलियां है, तो पटुओं की हवेलियां कितनी हवेलियों का समूह है, 5 हवेलियों का कॉम्प्लेक्स है। एक किसने बनवाए थे, गुमानचंद बाप, कहां पे, तो फिक्स क्वेश्चन है कि पटुओं की हवेली कहां पर है, जैसलमेर, कितनी है, 5, किसने बनवाई, गुमानचंद बाप। एक हवेली है नथमल, कौन सी हवेली है, इसमें याद रखने वाली बात यह कि नथमल की हवेली के जो वास्तुकार है वो 2 आदमी है, हाथी और लालू। कौन थे ये, क्या था, क्या मुझे दिन केडी किधर गए, केडी ने दिन कोई कहानी भी बताई थी इनकी। ये दोनों भाई थे हाथी और लालू, इन्होंने इस हवेली के दो अलग अलग पोर्शन बनाए, एक पोर्शन अलग बंदे ने बनाया, एक पोर्शन बनाया हाथी ने, एक पोर्शन बनाया लालू। और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का देखेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तुम कैसी बना रहे हो मैं कैसी बना रहा हूं। लेकिन जब बनके कंप्लीट होती है तो दोनों डिट्टो है कि हाथी और लालू दोनों भाई थे, दोनों के समझने की शक्तियां भी एक जैसी थी, इसलिए दोनों ने एक जैसी बना दी। तो नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन है, हाथी और लालू। नथमल की हवेली कहां पर है, पटुओं की हवेली कहां है, किसने बनवाई, कितनी हवेलियां, 5 हवेलियां। अगली हवेली है सालिम सिंह, मैं भी बता रहा था प्रधानमंत्री था एक सालिम सिंह, नाम सालिम है आदमी जालिम है, लड़कियां उठाने की बात किया करता था। तो सालिम सिंह की हवेली भी कहां पर है, अमरीश पुरी था उस टाइम का ही, तो सालिम सिंह की हवेली। अमरीश पुरी का ऐसे तो रोल होते थे ना, सारी फिल्मों में मूछें बढ़ाया वार सारे ऐसे रोल किया करता था। कुलधरा, मैंने भी बताया कुलधरा में पालीवाल रहते थे, एक साथ खाली करके गए, तो कुलधरा की हवेलियां भी कहां पर है, जैसलमेर। ऑब्वियस सी बात है जालिम सिंह झाला कोटा का प्रधानमंत्री था, तो झाला हवेली कहां पर होगी, कोटा, भित्ति चित्र। वैसे भी कोटा की जो चित्रकला वो किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्र, शिकार के दृश्य खूब सारे हैं, तो इनमें भी भित्ति चित्रों में भी शिकार के दृश्य, भित्ति चित्रों में भी क्या है, शिकार, शिकार के दृश्य। फिर ये शेखावाटी की हवेलियां, ये खूब सारी है, शेखावाटी वैसे ही हवेलियों के लिए फेमस है ना। अपने मुख्य मुख्य से थोड़े नाम याद कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। एक तो ये महनसर वाली हवेली याद रखनी है, सोने चांदी की हवेली, क्या नाम है इसका, महनसर जगह का नाम है, झुंझुनू में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, महनसर, और महनसर में एक हवेली है उसका नाम क्या है, सोने चांदी की। सोने चांदी का काम कर रखा है दीवारों पर, इसलिए नाम क्या हो गया, सोने। तो मैनसर दो ही चीजों के लिए फेमस है, या तो दारू, मैनसर की दारू बहुत फेमस हुई महारानी मैनसर, और या बाद में इस हवेली के लिए, सोने चांदी की हवेली के लिए। फिर एक हवेली मैं इधर बताता हूं आपको, ये झुंझुनू वाली दो याद रखना, टिबड़े वाला और ईश्वरदास मोदी, किसके हवेली है, टिबड़े वाला और ईश्वरदास, बाणी है ईश्वरदास मोदी, बाणी है बाणी की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली है कौन सी, टिबड़े वाले। ये एक बार बाद में देखते हैं, और दूसरी देखते हैं अपने को चिड़ावन नवलगढ़ में एक हवेली याद रखना, ये भक्तों की हवेली, कौन सी हवेली, सबसे अधिक हवेलियां यदि कहीं पर है तो वो कहां पर है, और उसमें भी कौन सी हवेली, भक्तों। दो और याद कर लो, पोदार और भगोरिया, पोदार और भगेरिया, पोदार भगेरिया भगत, पर याद भक्तों वाली हवेली रखना। तो भक्तों की हवेली कहां पर है, ईश्वरदास मोदी और टिबड़े वाला की झुंझुनू, और सोने चांदी की दुकान महनसर। पोदार वाली वैसे याद नहीं करना क्योंकि पोदार अलग अलग हवेलियां, पोदारों की खूब अलग अलग जगह, तो कोई पूछेगा भी नहीं इतने। बिसाऊ, झुंझुनू में एक शहर है बिसाऊ, यहां पर हवेली है जयदयाल केड़िया, किसके हवेली है, केड़िया, आपने बहुत बड़े बाणिया थे,
आजकल आप केड़िया दा कोठी सुनते रहते हो एफएम पे, केड़िया दा कोठी। वो यदि आपने वो देखी हो वेब सीरीज हर्षद मेहता वाली, हर्षद मेहता को बर्बाद करने वाला जो ग्रुप है वो केड़िया, तो ये केड़िया अपने सेक्रेटरी के जो थे। तो मैं उस पूरी वेब सीरीज में हर्षद मेहता के खिलाफ हूँ कि गुज्जू भाई आके अपने बाणियों को सिखा रहा है शेयर मार्केट कैसे चलाना है। अपने बाणियों का मार देंगे तेरे को, शेयर मार्केट में नहीं रहने देंगे। तो जय दयाल केड़िया, तो केड़िया हवेली याद रखना अपने बिसाऊ वाली। कौन सी हवेली है? केड़िया एक हवेली। तो इधर बिसाऊ में तो कौन सी? जय दयाल केड़िया। नवलगढ़ में भक्तों की, झुंझुनू में टिबड़े वाला और ईश्वरदास मोदी, मैनसर में चिड़ावा में, दोनों नाम भी एक जैसे हो जाएंगे, बागड़िया डालमिया, बागड़िया और डालमिया अपने यहीं के सेठ थे। और आज भी सेकावटी साइड के अंदर को ज्यादा पैसे वाला हो और इस प्रकार की ज्यादा बात करे कि भाई मैं ये कर दूंगा, तू डालमियो है, तो डालमिया जैसे ना लोग कहते ना तू टाटा बिड़ला है, तो टाटा बिड़ला की तरफ वैसे एक नाम डालमिया भी खूब फेमस था, तू डालमिया थोड़ी है। और डालमिया अपने सारे यहीं के सेठ थे। और ये मेरा कभी आपको बताया हुआ भी है कि भारत में अंबानी, अडानी, रतन टाटा और विप्रो वाले अजीत प्रेम जी को छोड़ के सारे सेठ राजस्थान के जो पैसे वाले लोग हैं उनमें एक तो अंबानी अडानी, ये दोनों गुजराती है, पर ये नए नए पैसे वाले बने, तीन पीढ़ियों के पास पैसे हैं इनके। अडानी तो दो और अंबानी तीन, इससे पहले इनके पास पैसे नहीं थे। अपने तो 10-10, 15-15 पीढ़ियों वाले हैं ये जो पहले से पैसे लिए बैठे थे अपने अंग्रेजों के टाइम में। वो अपने पढ़ते हैं अंग्रेज जब आए तो उन्होंने नए व्यापारिक मार्ग बनाए, तो हमारे व्यापारी उधर शिफ्ट हो गए थे। वो यही है, अपने सारे के सारे व्यापारी को इंदौर, सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे वहां जाके बस गए थे। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक वो बनारस में मिले थे अभी एक कि कुचामन के कोई बाणिए थे, तो वो मैं किसी कार्यक्रम में उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कहाँ से, तो उनका सर मैं कुचामन से। तो मैं सेठ जी कब चले गए थे अब कहाँ रहते हो? गुवाहाटी। कब चले गए थे? 1822 में बात कर रहे थे हम दोनों। वो कब चले गए थे? और टिपिकल मारवाड़ी बोले एकदम कुचामन वाली, वैसे जाते हो? हाँ होली दिवाली, ज्यादा नहीं जाया जाता पर होली दिवाली तो जाके आते हैं। तो सेठ थे, इन सेठों की हवेलियां थी यहाँ पे खूब अच्छी अच्छी, तो सारे सेठ यहीं से गए थे। डालमिया क्या सेठ रहे होंगे क्रिकेट में? आज पैसे लाए डालमिया भाई साहब ना, दुनिया में क्रिकेट में तो पैसे नहीं है, भारत वालों के पास क्रिकेट में पैसे क्यों है? क्रिकेट में पैसे दो ही आदमी लाए, या तो डालमिया ललित मोदी, या तो जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के पास पैसे लाए थे। आईपीएल पूरा कंसेप्ट ललित मोदी का, वो पूरा कंसेप्ट ही वही लेके आया था आदमी। दोनों बंदे राजस्थान के, ललित मोदी नागौर, नागौर से मोदी फैमिली है, और जगमोहन डालमिया फैमिली पूरी है इधर की आपके। तो उधर आपके बिसाऊ में तो कौन सी? केड़िया। नवलगढ़ में भक्तों की, झुंझुनू में टिबड़े वाला और ईश्वरदास मोदी, चिड़ावा में बागड़िया और डालमिया, मैनसर में सोने। मुकनगढ़ के अंदर ये मत याद करना बोले, ढूंढलोद वाली याद रखना, गोयन का हवेली। कौन सी हवेली है? गोयन। मंडावा में भी खूब सारी इतने सारे नाम कोई नहीं पूछता, रामनाथ गोयन का याद रखना है, क्योंकि रामनाथ गोयन का के नाम पे पत्रकारिता का पुरस्कार मिलता है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार, जर्नलिज्म में पुरस्कार मिलता है। तो रामनाथ गोयन का बड़े सेठ हुए थे, उनके परिवार वाले पुरस्कार देते हैं, तो ये याद रखना। गोयन का भी अपने राजस्थान के, गोयन का जिन्होंने आपकी पुणे सुपर जायंट्स खरीदी थी, जब चेन्नई सुपर किंग्स पे 2 साल तक वो लग गया था बैन, तो बाद में पुणे सुपर जायंट जो धोनी वाली टीम थी वो गोयनका ने खरीदी थी। तो आपको याद हो तब पहले सीजन में तो धोनी कैप्टन था, दूसरे सीजन में धोनी को कैप्टन हटा दिया और स्टीव स्मिथ को बना दिया था, और जो गोयनका का स्टेटमेंट और था कि भाई धोनी को कप्तानी आती नहीं है इसलिए हटा दिया गया। तो अब की बार वापस एक फोटो है जिसके अंदर वो गोयनका धोनी के सामने, धोनी यूं खड़ा है और गोयनका यूं हाथ जोड़ के खड़ा है, तो लोगों ने बाद में खूब यूं मीम बनाए थे उसके ऊपर। तो गोयनका भी अपने ढूंढलोद भाई, तो ढूंढलोद से अपने गोयनका हवेली है, और रामनाथ गोयनका हवेली कहां पर है? मंडा। खैदी गोयनका हवेली पूछे तब तो ढूंढलोद, और रामनाथ गोयनका हवेली पूछे तो मंडा, वैसे एक याद रख लेना और कोई नहीं। बाकी नाम नाम अब खूब सारे, ये पोदार और भगोरिया हवेली अपने देख रहे हैं नवलगढ़, तो कितनी सुंदर हवेली है, एक एक यूं, और इनके ऊपर वो चित्रकारियां देखो ना, ये पेंटिंग जो बनी हुई, तो ये लगे कि यार बाहर पूरे पत्थर को तराश के रख गए वो लोग। ये भक्तों की हवेली, पोदार, भगेरिया, भगत, तीनों हवेलियां कहां पर आपकी? नवलगढ़। टिबड़े वाला और ईश्वरदास मोदी झुंझुनू, ये टिबड़े वाला, ये ईश्वरदास मोदी, देखो आप कितनी प्यारी हवेलियां बनाई हुई उस टाइम। ये डालमिया नहीं दिख रही थी ऐसे, ये सोने चांदी वाला अंदर, इसके जो अंदर बहुत बारीक काम किया हुआ दीवारों पे सोने चांदी का। ये केसर देव कानोड़िया की, मुकनगढ़ की हवेली, केसर देव कानोड़िया की। गोयन का हवेली ढूंढलोद, रामनाथ, ये सागरमल लड़िया की हवेली है मंडावा, रामदेव चौखाणी की हवेली मंडावा। मंडावा में खूब हवेली है,
तो अपने टूरिस्ट आते हैं मंडावा खूब सारे, या पीके पीके मूवी है पीके, तो उसकी वो शुरुआत वाली शूटिंग संजय दत्त जहां आमिर खान से मिलता है वो मंडावा है, तो मंडावा की हवेली। गोयन का डबल हवेली, दो हवेलियां एक साथ है तो डबल हवेली, तो मंडावा मुरमुरिया, मंडावा मुरमुरिया सेट रहे होंगे तो मुरमुरिया हवेली, झुंझुनवाला, झुंझुनवाला हवेली, झुंझुनवाला एक अभी मरे हैं थोड़े दिन पहले, भरत झुंझुनवाला है ना, जिनका एक वो फोटो वायरल हुआ था, इसमें एकदम मेला सा कुर्ता पहना हुआ आदमी, व्हाइट शर्ट वो पहना हुआ लिनन का, जो यूं सड़े भरा हुआ मोदी जी के सामने खड़े हैं, एक में वो बैठे हैं मोदी जी खड़े हैं, तो जो भरत झुंझुनवाला थे वो झुंझुनवाला अपने मंडावा के, मोहनलाल सर्राफ, सर्राफ तो नाम से पता चलता है मंडावा, ये बाद में, और ये बीकानेर वाली हवेलियां, तो बीकानेर वाली हवेलियों में ये याद रखनी है, एक तो अपने रामपुरिया, कौन सी हवेली सुंदर, शायद आगे फोटो होगा तो हरे कांच का काम क्या, और इतनी प्यारी हवेली है रामपुरिया हवेली, उस गली में भी घुसते होते फील आता है, एक बच्छावतों की हवेली, कौन सी हवेली, एक मोहता हवेली, तीन याद रख लेना, मोहता हवेली, बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया, कौन कौन सी, बच्छावतों की, मोहता और रामपुरी, दोबारा नाम बताओ, बच्छावतों की, रामपुरिया, मोहता हवेली, ये रामपुर, इसमें नहीं दिख रहा, बाकी ये सारे हरे हैं, वो सुंदर हरा कांच है इसके अंदर, तो वो हरे कांच वाली फोटो बहुत सुंदर लगती है, ये कोठारी हवेली, मोहता, अब ये जोधपुर, जोधपुर वाली हवेलियों के नाम बड़े जोरदार है, हवेली के नाम है बड़े मियाँ के, कौन सी है, छोटे मियाँ नहीं है, केवल कौन है, बड़े, हवेली का नाम देखो आप, पुष्य नक्षत्र, एक नक्षत्र होता है पुष्य, नक्षत्र कौन सा होता है, तो ये हवेली केवल पुष्य नक्षत्र में बनाई गई, मतलब पुष्य नक्षत्र आता तब हवेली बनाते फिर काम बंद, फिर वापस पुष्य नक्षत्र आता तब हवेली बनाते फिर काम बंद, पता नहीं कितने साल लगे तब जाके हवेली कंप्लीट हुई, पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है, तो सेठ ने कहा कि अपने इसी में बनाएंगे, और किसी में बनाएंगे, तो पुष्य हवेली कहां पर बनी हुई है, जोधपुर, राखी गांव है जोधपुर के पास में, राखी गांव वालों ने जोधपुर में हवेली बनाई इसलिए कौन सी होगी, राखी गांव है पोकरण, पोकरण वालों ने हवेली बनाई इसलिए कौन सी होगी, पोकरण, अजीत भवन पैलेस बना हुआ है 92-91 के आसपास में, सरकार राजस्थान सरकार ने कहा कि पुरानी जो भी हवेलियां और महल पड़े इनका सार संभाल नहीं हो रही है, तो इनकी सार संभाल के लिए क्या किया जाए, तो सरकार ने कहा कि भाई जिसकी भी हवेली है उसको आधे रुपए हम देते हैं, आधे रुपए वो लगाओ, इसको होटल बना लो, क्या बना लो, टूरिस्ट आ जाएंगे, और टूरिस्ट आ जाएंगे तब तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा, सार संभाल हो जाएगी, तो राजस्थान में पहला हेरिटेज होटल कोई बनाया गया वो अजीत भवन पैलेस, वो कौन सा है, योजना हेरिटेज योजना है राजस्थान की, राजस्थान से शुरू की गई थी, और फिर सबसे बड़ी बात हवेलियां है भी तो अपने, और कौन से राज्य में इस प्रकार की है ही नहीं हवेलियां इस प्रकार की, तो कहां से शुरू करते, अपने शुरू की जा सकती थी, और जैसे ही किसी आदमी के पास में रुपए आते हैं वो राजा की तरह रहना पसंद करता है, इसलिए देखा गया कि टूरिस्ट जो हैं वो सारे के सारे इन हवेलियों में आके रुकना पसंद करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं यार अब अपने पास रुपए इनमें जाके फिर लेते हैं, मैं कहता हूं होटल आज जो होटल बनाए हुए हैं वो यदि टेक्नोलॉजी के आधार पर देखे जाएं, सुविधाओं के आधार पर देखे ज्यादा सुंदर है, ताज ग्रुप के कोई भी होटल देखोगे आप बहुत ज्यादा सुंदर मिलेंगे, लेकिन फिर भी जयपुर आया हुआ कोई टूरिस्ट रामबाग में रहना पसंद करेगा, कि रामबाग में यूं कोई बता दे भाई नाइट में को रुकने का चार्ज ही, कोई एक दिन आप रुकते हो तो 2 लाखन 2.5 लाखन 3 लाखन 5 लाखन वैसे वैसे रुपए लगते हैं इसके, क्या है उसके अंदर, पर वो अंबानी को ये लगता है कि नहीं यार अपने राजा तो नहीं है, पर कभी जब जयपुर में राजा था तो यहाँ रुकता था, उसका महल था, इधर रह के देखते हैं, तो हेरिटेज नाम पर तो इतनी चीजें बिकती है जिसकी कोई हद नहीं, तो बीकानेर में एक बार कोई एक छोटा सा होटल, हमारे कोई एक मेरे जानकारों को वहां पे फंक्शन किया हुआ, शादी का कोई फंक्शन, सगाई का कोई फंक्शन, मैं उस फंक्शन में गया, तो मुझे कहा यार सुबह जल्दी जाके वहां थोड़ी व्यवस्था देख लेना, ठीक, तो मैं वो होटल वाले जो भैया थे उनसे बात कर रहा था कि यार ये करवा देना ये करवा देना, तो उन्होंने उस होटल में गेट लगा रखा, बहुत पुराना सा गेट, जो पुराने लकड़ियों के गेट नहीं होते थे, पुराने लकड़ियों के दो पल्ले वाले गेट होते जिनके यूं बीच में यूं वो खूंटियां सी बंदी होती थी, इस प्रकार के गेट से बने होते हैं, और जिनके ऊपर वहां पर वो लॉक होता लगन, वो लकड़ियों वाले, तो मैंने उसको सांकल वाला है वो है ना, तो मैंने उनको कहा कि यार होटल अच्छी बना रखी है यार, थू थू शानदार होटल है, व्यवस्था अच्छी है, पर यार ये गेट पुराने क्यों लगा रखे हैं, गेट चेंज कर लेते यार, तो थोड़े अच्छे गेट लगा देते, पुराने पुराने गेट लगा रखे, तो उसने कहा यार तुम लोग क्या समझोगे इन चीज़ों को, ये हेरिटेज है, पुराने गेट इनकी वैल्यू अलग प्रकार की होती है, और बहुत महंगा गेट है भाई साहब, लाख लाख रुपए का गेट आता है हेरिटेज, मैंने कहा यार हमारे गांव वाले घर में से दो पड़े हैं,
दीवार लग गई उनके पीछे, दीवार समझो दिमाग, तो हमने आजकल उतार के उतार दिए, वो उतार के रख दिए, हमने कहा वो लकड़ी वाले वो लोहे वाले पातड़े लगा देंगे, पर ये दीवार वाला उतारो ना टापरों के ऊपर पड़ जाएगा। तू जी लाख लाख में खरीद रहा है तो मैं ला दूं कल दो, दीवार लगी हुई 80,000 तो देना। तो समझ में आया कि यार हेरिटेज के नाम पे आप कुछ भी बेच सकते हैं, कि पुराना गेट है और कोई बाहर से जो भी बंदा आता है उसको लगता है कि नहीं यार क्या कलाकृति बनाई है उन लोगों ने, तो बिक भी जाता है। तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन पैलेस। वो भी कहाँ पर है? एक ही नक्षत्र में बनी हुई हवेली, कौन से मियाँ की हवेली है? बड़े मियाँ की हवेली। एक महल बना हुआ है, एक थंबा महल, एक ही थंबे पर, आगे शायद फोटो होगा तो मैं दिखाऊंगा, एक ही पिलर के ऊपर महल बना हुआ है, अजीत सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अजीत सिंह का बनवाया, एक थंबा महल बना हुआ है। एक जो जोधपुर के राजा अब जिसके अंदर रहते हैं वो है उमेद पैलेस। कौन सा है? किसी एक सिंगल व्यक्ति के पास में दुनिया में सबसे बड़ा महल है तो वही है, कि जोधपुर के राजा के पास में उमेद महल है, एक ही आदमी के पास में इतना बड़ा महल दुनिया में और किसी के पास ही नहीं है, वो अपने उमेद पैलेस ही है। छित्तर के पत्थर का बना हुआ, छित्तर जगह का नाम है पास में, वहां का पत्थर ला के बनाया गया, इसलिए छित्तर पैलेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमेद पैलेस। अकाल राहत कार्यों में बनाया गया, जैसे राजसमंद झील, राजसमंद झील किसमें बनाई गई थी? अकाल रात। वैसे ये भी किसमें बनाया गया था? अकाल, अकाल रात कार्यों के अंदर ये बनाया गया था। एक पास में गांव पड़ता है बिजुलाई, कौन सा गांव है? तो वहां बिजुलाई के महल है। मुझे याद है बिजुलाई के महल इसलिए फेमस हुए थे कि एक बार स्वीडन की रानी आई थी, तब इन बिजुलाई के महलों में रुकी थी, तब अखबार में डेले आता भाई स्वीडन की रानी यहां पर है। वास्तव में जोधपुर के अंदर एक वाटर के लिए एक फाउंडेशन चलता, जल भागीरथी फाउंडेशन। कौन सा चलता है? जोधपुर राजा रॉयल फैमिली, जोधपुर रॉयल फैमिली जल भागीरथी फाउंडेशन चलाती है मारवाड़ में पानी के लिए। उसको फंडिंग जो होती है वो स्वीडन की गवर्नमेंट कर रही थी, तो स्वीडन की रानी यहाँ पर उसको परियोजना को संभालने या देखने जो भी आई होगी, तो उस समय वो जिस महलों में रुकी, वो महल कौन से है? तब अखबारों में चर्चित रहा, तो उस समय क्वेश्चन भी पूछ लिया भाई बिजुलाई के महल कहाँ पर है? तो जोधपुर। रिपीट हो जाए क्वेश्चन तो वापस पूछ ले बिजुलाई के महल कहाँ पर है? तो जोधपुर। याद रहेगा आपके? तो जोधपुर के अंदर कौन से मियाँ की हवेली? एक नक्षत्र में कौन सी? पहला हेरिटेज होटल अजीत सिंह ने एक ही थंबे पे बनवाया, अकाल रात कार्यों में उमेद पैलेस, या उसको क्या बोलते हैं? छित्र पैलेस, और बिजुलाई, ये सारे काम बने हुए जोधपुर में हो गए। ये पुष्य नक्षत्र तो अब नहीं दिख रहे इसमें, तो फोटो कट गया, बाकी एक नक्षत्र में बनी हवेली है पुष्य नक्षत्र वाली हवेली। अजीत भवन पैलेस जो दुनिया का सॉरी अपना राजस्थान का जो पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन पैलेस। ये एक खंबा, एक ही पिलर है, एक ही पिलर के ऊपर पूरा खड़ा हुआ है, तो एक थंबा में लिखा हुआ देखो, एक थंबा। और मैं बताऊं, एक खंबा नहीं एक थंबा ही कर लेना, जैसे तो मतलब एक ही होता है, पर एक थंबा महल तो है जोधपुर, एक थंबिया महल है डूंगरपुर, एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबा महल तो कहां पर है? जोधपुर। एक थंबिया कहां पर है? डूंगरपुर। उमेद पैलेस खूब प्यारा है, उमेद पैलेस एकदम। अब तो आधे में म्यूजियम बना रखा है, होटल बना रखी है, आधे में म्यूजियम है, आधे में होटल है, आधे में रॉयल फैमिली रहती है। ये बिजुलाई झील, झील के पास में बिजुलाई के महल एकदम। ये चोपड़ा हवेली है सुजानगढ़ चूरू में। ये सवाल था एक बार कि चोपड़ा हवेली कहां पर है, तो चोपड़ा हवेली कहां पर है? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहां पर है? चूरू। एक से दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बना हुआ है, हवेली इतनी बड़ी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुल बनाया बीच में हवेली के अंदर। गोयनका हवेली अभी हमने देखी थी, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है आपकी, मंडावा, सॉरी मंडावा नहीं, इधर नहीं, इसमें मंडावा में तो रामनाथ गोयनका हवेली थी, डूंडलोल, डूंडलोल। सुरणा हवेली चूरू, हवा महल, खूब सारी खिड़कियां और वो बने हुए, इसलिए क्या बोलते हैं चूरू का? 1100 झरोखे हैं, गवाक्स, गवाक्स का मतलब होता है झरोखा, क्या होता है? झरोख, तो 1100 गवाक्स बने हुए, 1100 झरोखे बने हुए। सुरणा हवेली है ना, बागोर हवेली, बागोर में नहीं है, उदयपुर है। बागोर हवेली कहां पर है? जैसे राखी गांव वालों ने जोधपुर में हवेली बनाई, पोखरण वालों ने जोधपुर में हवेली बनाई, वैसे बागोर वालों ने कहां बना ली? एकदम पिछोला के पास में। ये अपना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कौन कौन से चार बताओ? राजस्थान, इसको वेस्टर्न जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस वेस्टर्न जोन की कल्चरल चीजें जो भी है वो सारी यहीं पे रखी हुई है ना, बागोर के अंदर रखी हुई है वेस्टर्न जोन के। और ये वहां पर एक प्रधानमंत्री हुए थे अमरचंद बड़ुआ, कौन हुए थे? उनके बनवाई हुई है। तो बागोर हवेली किसकी बनवाई हुई है? अमरचंद बड़ुआ। कौन से क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है? पश्चिमी क्षेत्र का। कौन सी झील के पास है? पिछोला, पिछोला झील के पास है, मतलब कौन से जिले में या कौन सी जगह पे? उदयपुर, बागोर।
पिछोला पिछोला री पाल पास में दम ये हवेली सुनहरी कोठी टोंक वजीरुद्दौला नवाब हुए थे वजीरुद्दौला 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 उनके टाइम में शुरू हुई और बाद में इब्राहिम अली खान के टाइम में पूरी हुई दोबारा सॉरी दोबारा बन भाई तो शुरू तो सॉरी निर्माण तो किसने करवाया था वजीरुद्दौला और पुनर्निर्माण किसने करवाया था नहीं याद करना इतना याद रखना सुनहरी कोठी कहां पर है टोंक कहां पर है सुनहरी कोठी टोंक सुरणा हवेली चूरू क्या बोलते हैं इसको चूरू का हवा में कितनी वो झरोखे 1100 झरोखे ये सुनहरी कोठ अंदर सुनहरा सोने जैसा काम किया इसलिए नाम क्या हो गया सुनहर ये भाई कोठियां हो गई खत्म हो गई चलो मुझे वापस बताओ देखे सुनहरी कोठी कहां पर अच्छा और बताओ देखे आप मेरे को सुरणा हवेली चूरू में पुष्य नक्षत्र हवेली बागोर हवेली कहां पर है उदयपुर के अंदर बनी हुए अच्छा और बताओ देखे इसके बाद में और बताओ गोयनका हवेली दोनों रामनाथ गोयनका हवेली मंडावा ईश्वरदास मोदी और टिबड़े वाला की हवेली झुंझुनू पोदार हवेली भगत हवेली भगेरिया हवेली नवलगढ़ कहां पर है नवलगढ़ नवलगढ़ में बनी हुई है और बताओ देखिए मोहता हवेली बछावतों की हवेली और रामपुरी हवेली कहां पर है बीकानेर सालिम सिंह की हवेली एक थंबा महल कहां पर है जोधपुर एक थंबिया महल कहां पर है डूंगरपुर डूंगरपुर के अंदर है अच्छा और बताओ देखिए आप मेरे को कि इधर अपने टिबड़े वाला की हवेली टिबड़े वाला झुंझुनू कहां पर है झुंझुनू अच्छा सालिम सिंह की हवेली नथमल की हवेली उसके वास्तुकार कौन कौन थे पटुओं की हवेली जैसलमेर किसने बनवाई थी गुमान चंद बापना कितनी हवेलियां अच्छा और ये बागोर की हवेली किसने बनवाई है अमरचंद बड़वा किसने बनवाई है अच्छा भारत का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है अजीत भवन पैलेस और अजीत सिंह ने कौन सा महल बनवाया था एक खंबा कौन सा महल बनाया एक खंबा में गले में लटका के कौन कौन से जंतर और अच्छा गोलमा और फोलरी कहां पे गोखरी गोखरू चोप चूप पीपल पत्ता रागोनिया सुरलिया सटका और चौथ नेवरी और बेसरी मेमंद रामनवमी और तुलसी कहां पे अच्छा फीणी और सांकली कहां पे और मेमंद और मुस्लिम समुदाय का वाद्य यंत्र मुस्लिम महिलाओं की ओढ़नी आदिवासियों के सबसे पुराने कपड़े और सांसी जनजाति में एक लड़कियों की रस्म कौन सी कुकड़ी अच्छा अविवाहित लड़कियां सिर पे क्या रखे कटकी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़े तो पछेवड़ा थोड़ी और पड़े तो कौन सी है अच्छा दशहरे पे किस प्रकार के वो साफे कौन सी बदेल होली पे फूल पत्ती अच्छा लड़की के जन्म पे कैसा पोमचा और लड़के के जन्म पे और अटपटी पगड़ी और खिड़की पगड़ी कहां पे घुड़सवारी के टाइम की ड्रेस कौन सी है ब्रिटिश अच्छा विधवा महिला पुनर्विवाह करे तो नात्रा कौन सा है नात वैसे ही रहे तो तलाक देने को वधु का मूल्य दिया जाए लड़के वाले लड़की वालों को गिफ्ट भेजे उल्टा कर दे अच्छा मरने पे खाना खिलाए शादी के लिए लकड़ियां लाए क्या बोलते लड़की के साथ में एक महिला जाए और लड़की को विदाई दे उसको क्या बोलते हैं सीख बोलते हैं उसको तारा बांध के केर बांध के ओढ़नी कौन सी महिला है आदिवासी महिला है अच्छा तिलका कौन सी मुस्लिम तासा मुस्लिमों का 27 तार 17 तार सुरिंदा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है कैसा तत् कैसा है तत् सतारा कैसा है ढाक अवनद रमझोल घन किस प्रकार का है
झांझर कहां पे नहीं जाती है, कहां पे जाती है? झमेला।